तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले ब्लॉग में। और देखो आज मैं हूँ रूम पे, रैकवार हैं, नवीन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं रूम पे। और मेरा 105 घंटे, इतना ज़्यादा घंटा हो गया है कि घंटा ड्यूटी लगेगा, समझ रहे हो बात, सिंपल। तो हम लोग का प्लान था कि चलो पार्टी करते हैं, तो अभी रैकवार अवेलेबल है 9 बजे रात को, नवीन भाई सुबह 6 बजे से अवेलेबल है और मैं सुबह में 3 बजे। तो मेरा सबसे बढ़िया, मैं एकदम मौज काट रहा हूँ। और भाई साहब पनीर बना रहे हैं, क्या हाल चाल। तो मैं पहले ही बता दूं कि इसका 109 घंटे रखे हैं, तो भाई का 4 घंटे का ओटी बना हुआ है, 5 घंटे का। तो इस बार मोटा पैसा बनने वाला है। और कुछ लोग पिछले ब्लॉग में जो मैं बताया था कि 1 लाख सैलरी आता है रामागुंडम का, तो वहां पे ओटी बहुत ज्यादा बनता है। और 1 घंटे के ओटी का अप्रोक्स 400 मिलता है ना, मैं अप्रोक्स 400 मिलता है। तो सोच लो कि अगर 20-25 घंटे का ओटी बन गया तो सिर्फ उसका ही 8 से 10 हजार हो जाता है। और कभी कभी लोग 40 घंटे 50 घंटे भी ओटी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए और अभी रैकवार से पूछते हैं एक सलेक्शन टिप्स, बताए क्या एक सलेक्शन टिप बता जो सबसे ज्यादा तू फॉलो करता होगा एलपी सलेक्शन के लिए। स्पेशल बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, स्पेशल पढ़ाई को लेके, माइंड माइंड एक जगह सेटअप करने को लेके, गर्लफ्रेंड से कितना बतियाना है, नहीं बतियाना है, कुछ भी बता दे भाई यार। पर्सनल चीजें क्या बता दूं, बता दे कितनी गर्लफ्रेंड जीते ये बता दे। अरे बता ना एक टिप बता, एक टिप बता। अरे मुझे नहीं पता साले सेलेक्ट कैसे हो गया, तू पैसा दिया था क्या? ये लगा घूस दे के घूस दे के बता मैं। बता बता एक टिप बता, मैथ रीजनिंग ये अलावा छोड़ दे, दूसरा कोई टिप बता। अच्छा छोड़, कितने घंटे पढ़ता था एक दिन में एवरेज, ये बता दे। 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे नॉर्मल बात सच्ची, तभी तो यार 6 महीने में सिलेक्शन नहीं। अच्छा हाँ, ये बहुत कम दिन पढ़ा हुआ है, 10 से 12 घंटा मैनेज कैसे होता था? कैसे होता था, सब कुछ घर पे मिलता था, जो चाहिए घर ढूंढ के बाहर नहीं निकलना। समझ रहे हो कितना पढ़ना पड़ता है, तुम लोग मजाक करते हो। तो ये एक बात है कि 10 से 12 घंटे और मैथ और रीजनिंग वाला तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ। और अभी नवीन भाई आ रहे हैं, हम लोगों का पनीर पार्टी होगा और वो सबसे पहले हैं, तो हो सकता है कि उनका ड्यूटी का कॉल भी आ जाए। तो मिलते हैं नवीन भाई के आने के बाद, वो उसको खोलना पड़ेगा। हेलो मोटा भाई, बताइए। पहले इनका इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये टीचर रह चुके हैं और इनका पढ़ाया हुआ लड़का लगभग, अरे इतने मोटे हैं यार, गेट में नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, मोटे भी पतले हो गए यार, पेट अंदर। तो इनका पढ़ाया हुआ लड़का मुझे लगता है कि बहुत सारा जॉब में है, रेलवे में तो खासकर नहीं, रेलवे में। और ये खुद एएलपी बन गया, क्या यार क्या किस्मत लेके पैदा हुए आप, क्या किस्मत लेके अपना एएलपी हुए यार, ज्यादा जो ऊपर जाना था ना। तो ये टीचर है, हाँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं पढ़ाना कब चालू कर रहे हो, तो उसमें ये भी रहेंगे। और इनसे इनका मैं इंस्टा आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूछते रहो मैसेज कर करके, परेशान कर दो, ठीक है। मैथ जितना पूछना है, हाँ मैथ नहीं, कि कब से पढ़ाना चालू कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा ये बात है। तो इनसे अभी बताइए, सिलेक्शन का टिप्स बताइए, स्पेशल बताइएगा, पिछला बार आप अच्छे से नहीं बताए थे। स्पेशल यही है कि जब से वैकेंसी निकले लगे रहना है कंटिन्यू, मिनिमम नहीं भी कम से कम दिन में पर डे 6 घंटे। 6 घंटा, हाँ इतना ही मैं भी पढ़ता था। और कुछ स्पेशल पढ़ाई के बारे में? स्पेशल कुछ नहीं यार, उतना हार्ड इसका सिलेबस है नहीं, इजी सिलेबस है, बस ध्यान देना है। पैसे जिसका हो जाता है उसको इजी लगता नहीं, ही नहीं, हार्ड है भी नहीं, ऐसे एएलपी का हार्ड है भी नहीं, बस ध्यान देना है। क्या है ही क्या, साइंस मैथ रीजनिंग बस, मेंस में थोड़ा एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है, बस और कुछ है। आपका ट्रेड क्या था? मैं ट्रेड फिटर। स्पेशल चीज पूछ रहा हूँ, ट्रेड के लिए कब पढ़ाई चालू करना है? ट्रेड के लिए अभी नहीं करना है, ट्रेड के लिए पीटी के बाद करना है। समझे, जो लोग ट्रेड के लिए परेशान होना है अभी मत पढ़ो, पीटी के बाद पढ़ना। हाँ एक चीज, जो रेगुलर लगे रहो मिनिमम 6 घंटे पढ़ो। और अब आगे आते हैं, हम लोग पनीर वनीर बना रहे हैं और नवीन भाई का हो सकता है बनाते बनाते ही ड्यूटी लग जाए, और मेरा तो पता नहीं अभी कब लगेगा, मिलते हैं, वेट अ मोमेंट। नवीन भाई शादी कर लीजिए, बहुत दुख है आपको। हमको क्या दुख है, चलो 50-60 हजार कमाने के बाद ही मसाला कूटना पड़ रहा है आपको। मसाला तुम्हारे रूम में कूटना पड़ा, मेरे रूम में मिक्सी है यार। हाँ भाई हम गरीब है ना,
तो फिर शादी किसको जरूरत है? हम गरीब हैं, हमारा माँ बाप हमको गरीब पैदा किया। गरीब है मरना साला। क्या दिन देखना पड़ रहा है। स्टार्ट है? स्टार्ट है। हेलो, आप देख रहे हैं, वेलकम बैक माय चैनल। बोलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। ये है बैक किधर से जाता है? अरे ऐसे घुमाइए ना कैमरा, कैमरा घुमा दीजिए। हाँ, ये है राजीव स्पाइडर मैन। हाँ, स्पाइडर का लोगो लगाया है तब से इसका नाम स्पाइडर पड़ गया। नहीं, मेरा स्पाइडर नाम पड़ा था, पता है जो हम लोगों का पूरा ग्रुप था नांदेड़ डिवीजन वाला, उसमें नाम लिखते थे स्पाइडर मैन। स्पाइडर के लोगो से ही पता था सब कोई नाम रख दिया आपका स्पाइडर मैन। हाँ, ये है यूट्यूबर, छोटा छोटा ब्लॉग बनाता है। नहीं, हम लंबा लंबा भी ब्लॉग बनाते हैं, उसको छोटा कर देता है। उनको भी दिखा दीजिए। ये है रायक्वार, ये है न्यू दूल्हे लाजा। हाँ, अभी शादी दिवाली के टाइम में ये दूल्हा बन जाएगा, सबसे कम एज का, लेकिन शादी करने का उनफुन बहुत है इसको। हाँ, बहुत जल्दी शादी करने वाला। चालू है दिखाना। ये नवीन भाई है। नवीन भाई, हम शादी नहीं कर रहे हैं, बैचलर। बैचलर स्वैग से सोलो। कुछ दिन नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, समझ गया। हाँ, स्वैग से सोलो है। दिखा नहीं आज मेरा इंस्टा में स्वैग से सोलो? उधर घुमा कर ब्लॉग कर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ना तू ही कर ले अभी हम लोग सब, मैं सबको सिखा रहा हूँ। हाँ, ये पंखा का, अरे बल नहीं रहने दे यार, गिर जाएगा सर पे, मर जाएंगे यहाँ पे। अबे मर जाएंगे भाई, मर जाएंगे। अरे ये यहाँ पे, और मेरा मुंडी यहीं पे रहता है, गिरा ना मेरा काम खत्म, फिर हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय लास्ट ब्लॉग दोस्तों, ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई अभी मेरा बन रहा है, और साला इतना जॉब करते हैं, रिस्पेक्टेड जॉब करते हैं, इतना काम करते हैं, तवा उठाकर रोटी बनाना पड़ रहा है, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। और एक बात, कुछ लोग बोलेंगे कि शादी कर लो। यार स्टार्टिंग में घर वाले बोल रहे थे कि कर लो, मैं मना कर दिया, अब घर वाले बोल ही नहीं रहे। अब खुद से तो बोल नहीं सकते हैं। और ये ब्लॉग देख रहे होंगे यार, कट कट। तो हाँ, अभी हम लोग का पूरा प्लान रेडी हो चुका है। देखो, मैं कर रहा हूँ रोटी, ये बन चुका है हमारा पनीर, और इतना बनाना बाकी है। तो हाँ, अभी कुछ नहीं, पहले रोटी बना लो, जल रहा है मेरा। इतना बढ़िया पनीर बना। तीन थाली आ गई है, तीन थाली आ गई। अबे थाली ला दिए हैं, अबे थाली ला दिए भाई। हीरो हीरा लाल। तो देखो, हाँ अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह के 3 बजे अवेलेबल हूँ, तो जैसे ही कॉल बुक मिलता है उसके साथ मिलते हैं। वैसे बरसात हो रहा है, तो बरसात के मौसम में गाड़ी का लोडिंग अनलोडिंग कम हो जाता है, इसलिए गाड़ियाँ कम चलती हैं। तो अब मैं चला सोने, मिलते हैं कॉल बुक के साथ। वेट।